अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, आप लोगों के बर्ड्स भी खैरियत से होंगे और आपका सीज़न भी अच्छा गुजर रहा होगा। आज कुछ जेनेटिक्स के ऊपर बात करते हैं। लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी, जिस पर मैंने डोमिनेंट को बताया था कि डोमिनेंट जीन क्या होता है और कैसे वो रिएक्ट करता है, इंशाल्लाह आपको उम्मीद है पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। आज जो है हम जो जो आज वीडियो बना रहा हूँ, उसके अंदर हम रिसेसिव जीन को डिस्कस करेंगे और उसके अलावा सेक्स लिंक जीन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को मिल सके और आप लोग इन्फॉर्मेशन हासिल करें। ये वीडियोज़ जो बना रहे होते हैं वो आप लोगों के लिए बना रहे होते हैं, ताकि आप लोग इससे सीख सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डोमिनेंट को। डोमिनेंट क्या होता है? डोमिनेंट वो बर्ड होता है जिसका कोई भी स्प्लिट नहीं होता, मतलब डोमिनेंट हमेशा अपने आप को जाहिर कर देता है, ठीक है। डोमिनेंट स्प्लिट नहीं होता, डोमिनेंट का कोई भी स्प्लिट नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं आपको ऊपर डाल रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। जिन्होंने डोमिनेंट नहीं देखा, जो मैंने वीडियो बनाई थी उसको आप लिंक पे क्लिक करके जाके आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो डोमिनेंट का कोई भी स्प्लिट नहीं होता, डोमिनेंट हमेशा अपने आप को जाहिर कर देता है, ठीक है। मतलब कि एक तरफ डोमिनेंट बर्ड होगा, दूसरी तरफ कोई भी दूसरा बर्ड भी लगा दो तो उसने डोमिनेंट बर्ड अपनी डोमिनेंटी शो कर लेगा, वो अपने आप को जाहिर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ग्रीन फिशर को आपने ब्लू मास्क के साथ लगाया, ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे ग्रीन फिशर आएंगे। ग्रीन फिशर क्या है? एक डोमिनेंट बर्ड है। तो जारे के सारे बच्चे, जितने भी बच्चे आएंगे, वो सारे के सारे ग्रीन फिशर आएंगे, जो कि जो है ब्लू के स्प्लिट हो जाएंगे, मतलब कि वो ब्लू मास के या ब्लू पर्सनालिटी के स्प्लिट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो डोमिनेंट बर्ड को अपने आप को शो करने के लिए दोनों तरफ कोई जीन नहीं चाहिए होता, वो एक बर्ड भी होगा तो वो अपने आप को शो कर देगा। अब हम बात करते हैं रिसेसिव की। रिसेसिव क्या होता है? रिसेसिव बर्ड के स्प्लिट्स होते हैं, मतलब रिसेसिव बर्ड स्प्लिट्स बनाता है, डोमिनेंट बर्ड स्प्लिट्स नहीं बना सकता। डोमिनेंट बर्ड जो है वो खुद ही है, मगर जो रिसेसिव होता है उसके स्प्लिट्स हो सकते हैं, मतलब कि वो स्प्लिट्स अपने क्रिएट करता है। पहली बात तो ये होगी। और रिसेसिव बर्ड को दोनों पेरेंट्स में जीन चाहिए तभी वो जाहिर होगा। डोमिनेंट क्या होता है? डोमिनेंट एक तरफ भी बर्ड है, फॉर एग्जाम्पल अभी ग्रीन फिशर था, वो डोमिनेंट बर्ड था, उसके साथ हमने ब्लू पर्सनाटा लगाया था, उसको एक बर्ड था, एक फॉर एग्जाम्पल मेल था डोमिनेंट का, फीमेल थी फॉर एग्जाम्पल रिसेसिव की, क्या है जो ब्लू पर्सनालिटी है रिसेसिव जीन है, ठीक है। तो उसने क्या किया, डोमिनेंट बर्ड था ग्रीन फिशर, उसने अपने आप को वाजे करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, उसको दूसरी तरफ भी रिसेस डोमिनेंट नहीं चाहिए था, उसने एक बर्ड ने ही अपना रोल क्रिएट किया और उसने अपने बच्चे सारे के सारे ग्रीन फिशर दे दिए, डोमिनेंट बच्चे दे दिए, ठीक है। मगर रिसेसिव ऐसा नहीं है, रिसेसिव को दोनों पेरेंट्स में जीन चाहिए होता है, मेल और फीमेल में रिसेसिव दोनों तरफ जीन चाहिए होता है, तभी वो विजुअल बच्चा देता है, अदरवाइज विजुअल बच्चा नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका एल्बिनो रेड आइज ले लें, ठीक है, एल्बिनो रेड आइज को आपने लगाया, एल्बाइनो रेड आइज, ठीक है, ये रिसेसिव है। इसके साथ आप कोई भी सिंपल बर्ड लगा दो, जो कि एल्बिनो रेड आइज, फॉर एग्जाम्पल आपने एक फिशर लगा दिया, ग्रीन फिशर लगा दिया, ठीक है, ग्रीन फिशर नहीं लगाएं, इसके साथ आप सिंपल ब्लू पर्सनाटा लगा दें, ठीक है, इसको आपने ब्लू पर्सनाटा से लगा दिया, ब्लू दोनों ब्लू बर्ड हैं, ब्लू पर्सनाटा लगा दिया, ब्लू बर्ड से जितने भी बच्चे आएंगे वो सारे ब्लू आएंगे, मगर वो रेड आई नहीं आएंगे, क्योंकि क्या होगा, वो रेड आई के स्प्लिट्स हो जाएंगे, ठीक है, वो रेड आई के स्प्लिट्स हो जाएंगे, दोनों तरफ उसको जीन चाहिए, ठीक है ना। अब रेड आई क्या है? रिसेसिव जीन है, ठीक है, रिसेसिव है, उसको क्या हुआ, उसको दोनों तरफ जीन चाहिए तभी जाके वो विजुअल हालत में अपना आप दिखाएगा। अब वो एग्जांपल, इसकी एग्जांपल दे देता हूँ एक और आपको। अब एल्बिनो रेड आई दोनों तरफ जब जीन आएंगे तभी जाके, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल, एल्बिनो रेड आई एक तरफ हमने लगा दिया एल्बाइनो रेड आई, ठीक है, और दूसरी तरफ हमने लगा दिया एल्बाइनो रेड आई का स्प्लिट, एल्बाइनो रेड आई का स्प्लिट। अब क्या हुआ, इधर से भी रेड आई जीन आ गया, इधर से भी रेड आई है, जब दोनों रेड आई जीन मिलेंगे तभी रेड आई बच्चा प्रोड्यूस होगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल दोनों रेड आई स्प्लिट्स हैं, एल्बाइनो रेड आई स्प्लिट इधर भी आ गया, रेड आई एल्बाइनो रेड आई स्प्लिट का एक पेयर लगा दिया हमने, इधर भी हमने एल्बाइनो रेड आई स्प्लिट का पेयर लगा दिया, ठीक है, इनमें भी रेड आई जीन है, इसमें भी रेड आई जीन है, जब दोनों रेड आई जीन मिलेंगे तभी जाकर रेड आई बच्चा प्रोड्यूस होगा। तो क्या रिसेसिव बर्ड को दोनों तरफ जीन मिलेंगे तभी जाके वो प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और आपको देने जा रहा हूँ जो कि रिसेसिव की है, ठीक है। अब ब्लू सीरीज वो बर्ड होते हैं ना, ब्लू सीरीज बर्ड वो रिसेसिव होते हैं, ग्रीन बर्ड डोमिनेंट है, ग्रीन बर्ड डोमिनेंट बर्ड है, वो एक तरफ लगेगा तो अपना आप शो कर देगा, मगर जो ब्लू सीरीज बर्ड होते हैं, ब्लू सीरीज में आ गया ब्लू कलर होगा, व्हाइट कलर आ गया, मॉव कलर आ गया, स्काई ब्लू कलर आ गया, कोबाल्ट कलर आ गया, वॉयलेट कलर आ गया, ये जितने भी कलर्स आते हैं ये सारे ब्लू सीरीज बर्ड कहलाते हैं। तो ब्लू सीरीज जो होती है वो रिसेसिव है, ठीक है, उसको दोनों तरफ जीन चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल एक हमने ग्रीन बर्ड को लगाया,
ठीक है, ग्रीन ग्रीन बर्ड को हमने लगाया ग्रीन इंटू ब्लू, ठीक है। तो सारे ये ब्लू क्या रिसेसिव जीन था, ये डोमिनेंट था, सारे के सारे बच्चे क्या आएंगे ग्रीन आ जाएंगे, ठीक है, और आ जाएंगे स्प्लिट ब्लू आ जाएंगे। कोई भी बच्चा विजुअली नहीं आएगा, क्योंकि क्या है, एक तरफ क्या है डोमिनेंट बर्ड है और एक तरफ रिसेसिव बर्ड है, तो दोनों तरफ रिसेसिव उसको जीन मिलेगा तब। फॉर एग्जाम्पल आप ये बर्ड है जो स्प्लिट ब्लू हमने लगाया, सारे बच्चे ग्रीन है, ठीक है, वो स्प्लिट ब्लू है, क्या है उन्होंने ब्लू का जीन कैरी कर लिया, रिसेसिव जीन कैरी किया है, उसको जब हम दोबारा ब्लू से लगाएंगे तो बच्चे जो हैं ब्लू आ जाएंगे। तो क्या है दोनों तरफ ब्लू जीन था मिलेगा तभी जाके ब्लू बच्चा आएगा। रिसेसिव में दोनों पेरेंट में जीन होगा, इधर भी ब्लू होगा इधर भी ब्लू होगा तभी ब्लू बच्चा आएगा। अदरवाइज एक तरफ ग्रीन सीरीज होगा एक तरफ ब्लू सीरीज होगा, कभी भी बच्चे जाके ब्लू सीरीज के नहीं आएंगे। तो रिसेसिव सिंपली अगर ग्रीन और ब्लू में देखा जाए तो ब्लू सीरीज के बर्ड जो होते हैं वो रिसेसिव होते हैं, ग्रीन सीरीज के बर्ड जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। तो रिसेसिव जो है वो स्प्लिट्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमने अब क्या किया ग्रीन को ब्लू से लगाया स्प्लिट्स आ गए, ग्रीन बर्ड आए सारे के सारे वो स्प्लिट ब्लू आ गए। तो रिसेसिव जो है वो स्प्लिट्स अपने बनाता है और डोमिनेंट वो अपने नहीं बनाता। ये डोमिनेंट था ग्रीन बर्ड तो उसने ग्रीन बर्ड दे दिया, ग्रीन क्या डोमिनेंट है, ग्रीन कलर भी डोमिनेंट है ग्रीन बर्ड भी डोमिनेंट है, तो क्या होता है वो डोमिनेंट है। तो उसने क्या किया डायरेक्ट बच्चे जितने भी बच्चे आए वो सारे के सारे ग्रीन है देखने में, वो स्प्लिट क्या है ब्लू के, रिसेसिव था इसलिए हमने उसका रिसेसिव डोमिनेंट को हमने रिसेसिव से लगाया तो क्या बच्चे आए ग्रीन बच्चे आए सारे के सारे वो स्प्लिट ब्लू हो गए, क्या हो गया ब्लू जीन उन्होंने कैरी कर लिया। तो एक और बात कि ग्रीन बर्ड जो है वो ब्लू का जीन कैरी कर सकता है, मगर ब्लू बर्ड कभी भी ग्रीन का जीन कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रीन जो सीरीज है ग्रीन बर्ड जो होता है वो डोमिनेंट होता है, तो डोमिनेंट का कोई भी स्प्लिट नहीं होता, तो ब्लू सीरीज रिसेसिव होता है वो अपने स्प्लिट्स बनाता है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। एक और दफ़ा समझाना चाहूँगा, ग्रीन बर्ड डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट बर्ड का कोई भी स्प्लिट नहीं होता, डोमिनेंट बर्ड जब भी किसी से भी लगेगा वो अपना आप दिखा देगा, उसको जाहिर होने के लिए दूसरी तरफ दूसरे पार्टनर के लिए उसको ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो भी उसके साथ ग्रीन बर्ड ही लगेगा तभी जाकर ग्रीन आएंगे, नहीं, एक बर्ड डोमिनेंट है वो अपना आप शो कर देगा। रिसेसिव बर्ड क्या होता है, रिसेसिव बर्ड वो होता है जिसको दोनों पैरेंट्स में रिसेसिव जीन चाहिए। फॉर एग्जांपल इधर भी रेड आई है इधर भी रेड आई मिलेगा तभी रेड आई बच्चा प्रोड्यूस होगा, इधर ब्लू बर्ड है इधर भी ब्लू बर्ड है तभी ब्लू बच्चा प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज प्रोड्यूस नहीं होगा। और ब्लू सीरीज बर्ड होते हैं रिसेसिव बर्ड जो होते हैं वो ब्लू सीरीज बर्ड होते हैं, और ब्लू सीरीज बर्ड जो होते हैं रिसेसिव बर्ड अपने स्प्लिट्स बनाते हैं, ग्रीन बर्ड क्या है वो डोमिनेंट है वो अपने स्प्लिट्स नहीं बनाता। ठीक हो गया, यहां तक बात समझ आई। उसके बाद तीसरी जो चीज होती है वो आती है सेक्स लिंक। सेक्स लिंक के अंदर बड़ा रोल है, सेक्स लिंक के भी स्प्लिट्स होते हैं, डोमिनेंट बर्ड का स्प्लिट्स नहीं होता, रिसेसिव बर्ड्स के स्प्लिट्स होते हैं, इसी तरह सेक्स लिंक बर्ड के स्प्लिट्स होते हैं। सेक्स लिंक में कौन सी म्यूटेशन आ जाती है, सेक्स लिंक में अगर आप लव बर्ड में आते हो तो ऑफलाइन जो है वो सेक्स लिंक म्यूटेशन है, इसी तरह अगर आप बजीज में आते हो तो बजीज के अंदर टीसीबी सेक्स लिंक म्यूटेशन है, अल्बाइनो रेड आई सेक्स लिंक म्यूटेशन है। सेक्स लिंक में जो है वो स्प्लिट्स बनाते हैं, मगर उसके कौन से बर्ड स्प्लिट्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेल स्प्लिट्स होते हैं, फीमेल स्प्लिट्स नहीं होती। रिसेसिव जीन में मेल भी स्प्लिट्स हो सकते हैं फीमेल भी स्प्लिट्स हो सकती हैं, दोनों बर्ड्स में स्प्लिट्स हो सकता है, मेल भी स्प्लिट्स हो सकता है फीमेल भी स्प्लिट्स हो सकती है रिसेसिव जीन में, मगर सेक्स लिंक बर्ड में सिर्फ और सिर्फ मेल स्प्लिट्स होते हैं। क्या लिखा हुआ, ओनली मेल कैन बी स्प्लिट, सिर्फ मेल स्प्लिट्स होते हैं। इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आप एक ऑफलाइन का मेल लेते हैं, इसलिए सेक्स लिंक में मेल की डिमांड ज़्यादा होती है। मेल की डिमांड क्यों ज़्यादा होती है, कि एक बर्ड से ही आप विजुअल बच्चा ले सकते हैं ऑफलाइन का। क्या था डोमिनेंट में, एक तरफ आपने बर्ड लगाया आपके बच्चे सारे के सारे जो हैं वो डोमिनेंट आएंगे। रिसेसिव में आपको दोनों पेरेंट्स में चाहिए होता, मेल में भी जीन चाहिए होता फीमेल में भी जीन चाहिए होता तभी विजुअल बच्चा आएगा, अदरवाइज रिसेसिव जीन दोनों तरफ से नहीं मिलेंगे तो विजुअल बच्चा नहीं देंगे। ऑफलाइन में क्या चीज़ है, सेक्स लिंक में ऑफलाइन म्यूटेशन, ऑफलाइन में अगर आप मेल का क्राइटेरिया ज़्यादा है, इधर क्राइटेरिया ज़्यादा है, अगर आप मेल के साथ नंबर, फॉर एग्जांपल आपने ग्रीन ऑफलाइन का मेल ले लिया उसके साथ आपने ग्रीन फिशर की फीमेल लगा दी सिंपल, तो जितनी भी फीमेल्स आएंगी ना ऑपोजिट जाएगा, जितनी भी मादियाँ आएंगी वो सारी की सारी ग्रीन ऑफलाइन आ जाएंगी फर्स्ट में ही। उसके लिए आपको दूसरी तरफ फीमेल भी ऑफलाइन होनी ज़रूरी नहीं है, मेल अगर आप ऑफलाइन का लगाएंगे तो फीमेलें सारी की सारी जो हैं वो ऑफलाइन आ जाएंगी, और जितने भी मेल्स आएंगे देखें ऑल फीमेल्स विल बी ऑफलाइन एंड मेल विल बी ग्रीन फिशर स्प्लिट ऑफलाइन। इस पेयरिंग से क्या होगा, सेक्स लिंक म्यूटेशन में हमेशा मेल का क्राइटेरिया रोल ज़्यादा होता है, मेल के अंदर दो जो है जीन कैरियर होता है, ठीक है, दो जीन्स होते हैं, टू क्रोमोसोम्स आप कह सकते हैं, दो जीन कैरी कर रहा होता है,
तो उसके अंदर इतनी पावर अबिलिटी है अल्लाह की तरफ से कि अगर आप उसको सिंपल किसी भी नॉर्मल बर्ड से लगाएंगे तो उसके अंदर जितनी भी फीमेल्स आएंगी वो सारी की सारी ऑफलाइंस आ जाएंगी, ठीक है, और उसके जो मेल्स आएंगे सारे के सारे वो स्प्लिट्स ऑफलाइन होंगे, इसमें फीमेल स्प्लिट नहीं होती। इसी तरह रेड आई के अंदर ले लेते हैं, सिंपल बजरी के अंदर रेड आई में अगर आपके पास एक फॉर एग्जाम्पल लुटिनो होगोरोमो अगर अल्बिनो होगोरोमो ले लें, अल्बाइनो होगोरोमो, ठीक है, या अल्बाइनो बजरी ले लें आप, सिंपल जो अल्बिनो रेड आई का बजरी जो होता है, सिंपल बजीज जो होते हैं, ठीक है, बजीज, इसको अगर आप सिंपल बात कर रहा हूँ, इसे होगोरोमो के साथ आपने ग्रीन ग्रीन होगोरोमो की फीमेल लगा दी, सिंपल सी ग्रीन होगोरोमो, इसमें भी आपने ग्रीन होगोरोमो लगा दी, ठीक है, क्या है, नॉर्मल है, सिंपल। इनके जितने भी बच्चे आएंगे सारे के सारे जो फीमेल्स आएंगी इसमें से फीमेल जितनी भी आएंगी वो सारी की सारी अल्बिनो की आएंगी, और इसमें से भी जितनी भी फीमेलें आएंगी वो सारी की सारी फीमेल्स जो आएंगी वो सारी की सारी अल्बिनो आएंगी, क्या है, अल्बिनो टी सी बी बजीज के अंदर, ये सेक्स लिंक म्यूटेशन है। इसमें भी आपने क्या करना, अगर आपके पास एक अल्बिनो रेड आई का मेल पड़ा हुआ सिंपल बजरी में, अगर आपसे कोई भी लगा दो, पाइट लगा दो या फॉर एग्जांपल ग्रीन लगा दो, ब्लू लगा, कोई भी कलर लगा दो, जितनी भी मादियाँ आएंगी ना आपके पास सिंपल, वो सारी की सारी जो होंगी वो अल्बाइनो होंगी, और जो मेल्स आएंगे वो अल्बाइनो के स्प्लिट्स होंगे। इसी तरह टी सी बी में, अगर टी सी बी के साथ आपने नॉर्मल ग्रीन बर्ड लगाए, जितने भी जितनी मादियाँ आएंगी वो सारी टी सी बी आएंगी, और जितने के जितने मेल आएंगे, क्योंकि मादियाँ स्प्लिट्स में क्यों नहीं होती, क्योंकि मादियाँ विजुअली आ जाती हैं, मादियाँ स्प्लिट्स आती ही नहीं है, और बाकी बचते हैं मेल, वो मेल सारे के सारे उसके स्प्लिट्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आपने टी सी बी को लगाया आपने एक सिंपल ग्रीन बजरी के साथ, जितने भी बच्चे आएंगे सारे के सारी फीमेल्स आएंगे वो टी सी बी आ जाएंगे, और मेल आएंगे ग्रीन ग्रीन बजरी आ जाएंगे वो होंगे स्प्लिट टी सी बी। इसी तरह ऑपलाइन के अंदर ब्लू ऑपलाइन ले लिया, फॉर एग्जांपल ब्लू ऑपलाइन का आपके पास मेल है या पार ब्लू ऑपलाइन का मेल है, क्यों कहते हैं मेल नहीं मिल रहे, मेल नहीं मिल रहे, मेल के अंदर क्राइटेरिया यही है कि मेल को आप किसी भी फीमेल के साथ लगा दो, ग्रीन फिशर से भी लगा दोगे ना तो सारे के सारी मादियाँ आएंगी वो विजुअली आएंगी, वो ऑपलाइंस आ जाएंगी, और जितने भी मेल्स आएंगे वो स्प्लिट होंगे ऑपलाइन के। इसमें क्या होता है, सेक्स लिंक में मेल स्प्लिट्स होते हैं, फीमेल स्प्लिट्स नहीं होती, और इनके स्प्लिट्स भी बन सकते हैं। दी एंड रिवाइज करते हैं, इंशाल्लाह आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। डोमिनेंट बर्ड वो होता है जिसका कोई स्प्लिट्स नहीं होता, उसको जाहिर होने के लिए किसी दूसरे बर्ड की ज़रूरत नहीं होती। तो जितने भी ग्रीन सीरीज के बर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे डोमिनेंट होते हैं, और ग्रीन बर्ड जो है वो ब्लू का जीन कैरी कर सकता है, ब्लू बर्ड जीन कैरी नहीं कर सकता ग्रीन का, ब्लू कभी भी स्प्लिट नहीं होगा ग्रीन का, ग्रीन कैन बी स्प्लिट ऑफ ब्लू, ठीक हो गया। एक बात ये होगी, रिसेसिव, रिसेसिव में मेल और फीमेल दोनों तरफ से जब तक रिसेसिव जीन नहीं मिलेगा तब तक विजुअल बच्चा नहीं आएगा, तो उसमें दोनों तरफ स्प्लिट्स होने लाजमी है, सिर्फ दोनों तरफ जीन होना लाजमी है। अगर आपके एक पार्टनर में फॉर एग्जांपल एक पार्टनर रिसेसिव है, दूसरा पार्टनर रिसेसिव नहीं है, उसके उसके रिसेसिव का स्प्लिट नहीं है, तो कभी भी विजुअल बच्चा रिसेसिव नहीं आएगा। तो रिसेसिव बर्ड स्प्लिट्स प्रोड्यूस करता है, मगर दोनों बर्ड अपने आप को जाहिर होने के लिए उसको दोनों पार्टनर्स में मेल फीमेल में रिसेसिव जीन होना लाजमी है। सेक्स लिंक की तरफ जाएंगे, सेक्स लिंक भी जो है वो स्प्लिट्स प्रोड्यूस करता है, मगर उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल स्प्लिट्स होते हैं, फीमेल स्प्लिट्स नहीं होती। और अगर आप एक जो है सेक्स लिंक बर्ड को, मेल को किसी भी नॉर्मल फीमेल से लगाओगे कि सारी की सारी फीमेल्स जो आएंगी वो सारी की सारी सेक्स लिंक आएंगी, ठीक है, और जितने भी मेल्स आएंगे वो सारे के सारे सेक्स लिंक के स्प्लिट्स होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट लाजमी करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस तरह की इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँगा आपकी खिदमत के लिए। ये वीडियोस बनाने का मकसद होता है आप लोगों का अवेयरनेस देना, तो आप लोगों से भी अच्छे रिस्पॉन्स की उम्मीद होती है, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट होती है आप अपने दोस्तों से भी शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एंड एक और बात कहना चाहूँगा, मैं वर्कशॉप कर रहा हूँ इंशाल्लाह वेरी सून। वर्कशॉप किसे कहते हैं कि एक ऐसा मीटिंग करूँगा, ठीक है, एक अच्छा हॉल बुक करवा के प्रॉपरली एक ऑडिटोरियम होगा जिसमें आप एक प्रोजेक्टर लगेगा, प्रोजेक्टर लग के उसमें एक लेक्चर्स दी जाएंगे एक एक बर्ड के बारे में। फॉर एग्जांपल बजीज क्या है, बजीज किस एज में ब्रीड करता है, बजीज कैसे ब्रीड करता है, बजीज की एवरेज क्या होती है, जितनी भी ये चीज़ें आपको मैंने समझा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सेक्स लिंक क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, ये सारा कुछ आपको एक एक बर्ड दिखा के विजुअली एक प्रोजेक्टर पे आप लोगों को समझाया जाएगा। जैसे कि यासिर खान रोकड़ी साहब जो हैं माशाल्लाह से वर्कशॉप कर रहे हैं, तो मैं एक छोटा सा स्टेप लिया माशाल्लाह से। एक अच्छा इंसान जब कोई काम कर रहा हो तो उसको डेफिनेटली से बताया, बंदा उसको देखता है, उससे इंस्पायर होता है, तो उसके लिए कोशिश करता है। मैं उनके लेवल तक नहीं पहुँच सकता, मगर मैं कराची वालों के लिए जो लोग कहते हैं हमें यार सीखने का मौका नहीं मिल रहा, हमें कोई सिखाने वाला नहीं है, तो मैंने एक जो अपना ग्रुप भी बनाया वो कुछ सीखो और सिखाओ कराची वालों के लिए स्पेशली। उसमें कराची वाले काफ़ी लोग ज्वाइन हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं उसमें काफ़ी सीनियर ब्रीडर भी ऐड हैं,
और न्यू फैंसियर भी ऐड हैं, ताकि वो आपस में जो डिस्कशंस कर सकें और एक दूसरे से कुछ सीख सकें। तो मेरा यही मोटिव है, कुछ सीखो और सिखाओ। तो आप लोगों के लिए जो है मैं लेके आया हूँ वर्कशॉप, मैं YouTube से भी बता सकता हूँ, मगर जो एक फेस टू फेस बैठ के एक सीखने का मौका मिलता है, सीनियर ब्रीडर से मिलने का मौका मिलता है, कुछ इतने आइडियाज़ होते हैं माशाल्लाह से। आप सुफियान खत्री भाई हो गए, ठीक है, शामिर हो गया, डॉक्टर सऊद अरशद हो गए, ठीक है, इसी तरह जो है अपने अदनान यूनस भाई हो गए, ठीक है, खुरम हलीम भाई हो गए, काफ़ी सीनियर ब्रीडर्स हैं, उनको मैं बुलाऊँगा, वो लोग आएँगे और वो आप लोगों को फ़ेस टू फेस सिखाएंगे, अच्छा माहौल होगा, ठीक है, एक प्रॉपर ऑडिटोरियम बुक किया जाएगा, उसके अंदर प्रोजेक्टर लगाया, उसके अंदर आपको रिफ्रेशमेंट भी मिलेगी और एट द एंड आपको इंशाल्लाह उसमें आपको जो है सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। तो ये आप इस हमारी इस मीटिंग का हिस्सा बने, ठीक है। तो सबसे रिक्वेस्ट है, लाजमी जो लोग सीखना चाहते हैं ज्वाइन करें, एक महीने का टाइम है, उसमें जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1000 रुपये, 1000 रुपये इसलिए देखें, डेफिनेटली बात है, मैंने दो गेट टुगेदर किए तो उसके अंदर कम से कम 80,000 रुपीज़ का एक्सपेंस आया, और अब मैं इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ कि 80,000 हमेशा जेब से भरे हैं मैंने, एक बात है, मेरे और मेरे पार्टनर्स ने, मेरे दोस्तों ने मिल के हमने ये काम किया था। अब जो है हम चाहते हैं कि एक छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा, गेट टुगेदर हम लोग करते रहते हैं, ठीक है, अब गेट टुगेदर में फॉर एग्जांपल हम रोज़ मिल रहे हैं एक चाय के होटल में बैठ के सिर्फ चाय पी रहे हैं, चाय फॉर एग्जांपल 50 रुपये का कप है, अगर वहाँ पे 30 बंदे आ गए, ठीक है, 30 बंदे आ गए तो 1500 रुपये की चाय बन गई। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आज मैं पे कर देता हूँ, कल दूसरा बंदा पे कर देता है, कल तो तीसरा बंदा पे कर देता है, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग भागना शुरू कर देंगे, यार हमें जेब से पार करना पड़ रहा है, या हर एक जान छुड़ानी करे, ये ना हो गया भाई मेरे मुझे पे करना पड़ जाए। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि भाई हम मैं फॉर एग्जांपल मैंने चाय का कप पिया तो मैं अपने 50 रुपये पे कर लूँ, जिस बाकी भाई ने चाय का कप पिया वो अपने 50-50 रुपये पे कर लें, तो किसी पे भी बर्डन नहीं आएगा और हम लोग सीख भी सकेंगे और हम डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे भी हम जो है गेट टुगेदर कर सकते हैं, क्योंकि किसी पे बर्डन नहीं आ रहा। इसीलिए मैंने रजिस्ट्रेशन फीस रखी, अगर हम अपना एक्सपेंस खुद उठाएं, क्योंकि सीख तो हम रहे हैं, हमें लालच है सीखने की, पैसों से बर्ड्स खरीदे जा सकते हैं, पैसों से नॉलेज नहीं खरीदा जा सकता। तो ये जो फीस ली जा रही है वो सिर्फ आप लोगों के लिए, हॉल एक बुक कराओ तो 1-1.5 लाख रुपए का, 2-2 लाख रुपए का एक हॉल बुक होता है, बाकी खाने का, रिफ्रेशमेंट का, बाकी जो वहाँ पे अरेंजमेंट्स का एक्सपेंस है वो तो अलग है। तो ये जो फीस ली जा रही है वो आप लोगों के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट पे बैठने के लिए, और जो वहाँ पे आप लोग रिफ्रेशमेंट करोगे, जो खाओगे, उसी चीज़ की फ़ीस ले रहा हूँ। और अगर ये पैसा मैं अपनी ज़ात पे लगाऊँ तो मेरी ज़ात पे ये हराम है, ठीक है, मैं इतना बड़ा वर्ड बोल रहा हूँ ऑनलाइन। अगर ये जो मैं पेमेंट ले रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा यार फ्री में वर्कशॉप्स किए हैं, अब ये जो असल में इसने पैसे कमाने का ज़रिया बनाना था, अगर ये जो मैंने 1000 रुपये लिया अगर वो मैंने अपनी ज़ात पे लगाऊंगा तो मुझे क्या कहता हूँ, मरने के बाद कफन भी नसीब ना हो, इतनी बड़ी बहन मैं ऑन एयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ कि आप लोगों को जमा कर सकूँ, वहाँ पर कुछ सिखा सकूँ और आप लोग सीख के इस हॉबी को आगे प्रमोट कर सकें, और जो आप लोग सीख रहे हैं वो न्यू आगे लोगों को नॉलेज बांट सकें, क्योंकि नॉलेज ऐसा क्या, ये सदका जारिया है जो मरने के बाद भी आप लोगों को इसका सवाब मिलता रहेगा। तो मेरी कोशिश यही है, मैं यहाँ पे घर पे बैठ के भी देखें YouTube पे आराम सुकून से इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, मगर मैं जितनी स्ट्रगल कर रहा हूँ वो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, कि मैं जीते जी जो मेरे से कुछ हो सकता है तो मैं आप लोगों के लिए कुछ कर जाऊँ, कुछ सिखा जाऊँ, आपस में यूनिटी बना जाऊँ, ताकि आप लोग एक मिल के हम लोग जो है आगे बढ़ सकें और इस हॉबी को प्रमोट कर सकें। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरा साथ देंगे। जिन लोगों ने वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 1000 रुपये, वो आपने मेरे अकाउंट में भेजनी होगी, आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपको उसके लिए आपने एक मुझे अपनी पिक्चर भेजनी है, अपनी लोकेशन बतानी है और अपना प्रॉपर एड्रेस और अपना फुल नेम मुझे सेंड करना है, तो मैं आपका एक जो है वो पिक्चर और एक मैं पोस्टर बना के हर बंदा जो रजिस्टर्ड हो रहा है उसका लगा रहा हूँ। इंशाल्लाह विद इन मंथ या एक मंथ तक इंशाल्लाह जब सीट्स फुल हो जाएंगी तो इंशाल्लाह ये वर्कशॉप की जाएगी, और इंशाल्लाह अल्लाह बड़े बोल से बचाए तो इतनी अच्छी वर्कशॉप होगी कि आप लोग बहुत पसंद करेंगे और पूरे पाकिस्तान में भी इसका नाम होगा कि किसी ने अच्छी वर्कशॉप कंडक्ट की और कुछ सीखने का मौका मिला। तो जो लोग मेरा साथ देना चाहते हैं मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 03129874889। मोहम्मद आदिल मेरा नाम है, लोकेशन मेरी कराची शमसी सोसाइटी में मैं रहता हूँ, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो वाकई में सीखना चाहते हैं, तो लाजमी ज्वाइन करें, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।